नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अभी में खबरों का रुख कर लेते हैं। कल्याण सिंह अब नहीं रहे, लेकिन उनके साथ जुड़ी तमाम कहानियां लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं की यादों में बने रहेंगी। इनमें सबसे दिलचस्प कहानी है कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने की। जी हां, बहुत कम लोगों को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी के इंकार के बाद ही कल्याण सिंह का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे किया गया था। वरना बीजेपी नेतृत्व की देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपने पहले मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद पार्टी के सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने बलबूते पर बनी थी। केंद्र में कांग्रेस ने हरसिंह राव को प्रधानमंत्री बना दिया था। ये राम मंदिर आंदोलन के चरमोत्सव का दौर था। चुनाव से कुछ महीने पहले ही अयोध्या में विवादित स्थल पर जमा कार सेवकों को नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए और घायल हुए थे। माहौल बेहद ही गर्म और उत्तेजनात्मक था। ऐसे माहौल में बीजेपी को विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत मिली थी। पार्टी और पूरे संघ परिवार के लिए देश के सबसे बड़े राज्य आजादी के बाद अपनी सरकार बनाना भावी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसीलिए बीजेपी इस सफलता को किसी के हाथों में सौंपना नहीं चाहती थी, और इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं था। बीजेपी के एक प्रमुख नेता बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेतृत्व और बीजेपी नेतृत्व के बीच तय हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत प्रधानमंत्री के बाद दूसरी मानी जाती रही है। और केंद्र में कांग्रेस के दक्षिण भारत के एक विद्वान और वरिष्ठ ब्राह्मण नेता को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए उनके मुकाबले के लिए वैसा ही वरिष्ठ और परिपक्व ब्राह्मण नेता बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। इसीलिए वाजपेयी के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन वाजपेयी ने केंद्रीय राजनीति छोड़कर प्रदेश की राजनीति में जाकर सरकार चलाने में अनिच्छा जाहिर की थी। सूत्रों का ये भी कहना है कि वाजपेयी ने सीधे तौर पर मना करने की बजाय शर्त रख दी थी, वो तभी ये जिम्मेदारी संभालेंगे अगर संघ नेतृत्व वचन दे कि अगले 4 साल तक मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा और उन्हें निर्बाध काम करने दिया जाएगा। ये शर्त संघ और विहिप को कतई भी मंजूर नहीं थी, और अटल बिहारी ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि इसके बाद दूसरे नाम पर विचार शुरू हुआ, और तब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया, क्योंकि जोशी उत्तराखंड, जो तब तक उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, के मूल निवासी हैं और इलाहाबाद उनकी कर्मभूमि रही है। उनकी विविधता और ज्ञान असंदिग्ध है। वो ब्राह्मण होने के साथ साथ मंदिर आंदोलन का एक बड़ा चेहरा भी थे, और धर्म संस्कृति पर उनकी पकड़ निर्वाधित थी। लेकिन डॉक्टर जोशी कुछ महीने पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके जाने से संदेश जाएगा कि पार्टी के पास प्रदेश में कोई नेता ही नहीं है, इसीलिए अपने अध्यक्ष को ही भेज दिया। इसके बाद प्रदेश नेताओं के नाम पर मंथन शुरू हुआ, और तब मंडलवादी राजनीति के मुकाबले के लिए डॉक्टर जोशी ने कहा कि कल्याण सिंह के नाम का प्रस्ताव दिया। कल्याण सिंह इसके पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी थे, और उन्हें डॉक्टर जोशी का आशीर्वाद था। ये वही दौर था जब भाजपा ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत के तहत पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाना शुरू किया था। इसको देखते हुए जोशी की सलाह को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी मंजूर कर लिया, और संघ नेतृत्व भी राजी हो गया। इसके बाद ही कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहली सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटने के वक्त कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, और अपनी सरकार गिरने के बाद उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए सुप्रीम कोर्ट तक में यही कहा कि इस घटना के लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके करीबी रहे कुछ अधिकारियों की अगर माने तो वो नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान हो।
4 दिसंबर 1992 को जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह लखनऊ आकर उनसे मिले तो कल्याण सिंह ने उन्हें भरोसा दिया था कि अयोध्या में ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा जिससे देश के संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादा भंग हो। लेकिन जिस तरह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संगठन अयोध्या में कार सेवक को लेकर उग्र थे, उससे कल्याण सिंह को आशंका थी कि कहीं न कहीं राम मंदिर से ज्यादा उनकी सरकार गिरवाने का भी कोई षड्यंत्र था। बीजेपी और संघ परिवार की यथास्थिति वादी सवर्ण लॉबी कर रही है क्योंकि उसे देश के सबसे बड़े राज्य में एक पिछड़ा मुख्यमंत्री सहन नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी ये आशंका अपने कुछ बेहद ही करीबी लोगों से साझा भी की थी और बीजेपी छोड़ने के बाद वो खुद इस बात को कहा करते थे। बीजेपी छोड़ने के बाद वो जब मुलायम सिंह यादव के साथ आए तो अक्सर अयोध्या मुद्दे पर अपने बचाव में यही तर्क देते थे कि उन्हें अंधेरे में रखकर अयोध्या की घटना हुई। लेकिन बाद में जब बीजेपी में उनका पुनर्वास हो गया तो वो इस मुद्दे पर खामोश हो गए। कल्याण सिंह पर पार्टी के भीतर पिछड़े वर्गों को जरूरत से ज्यादा तरजीह देने का भी आरोप लगा था। दिलचस्प है कि बीजेपी के तत्कालीन सवर्ण नेताओं ने तो हमेशा कल्याण सिंह को निशाने पर लिया ही और कई पिछड़े नेता भी उनके बढ़ते कद को सहन नहीं कर पाते थे। इनमें से कुछ ने तो केंद्रीय नेतृत्व से यहाँ तक दुहाई दी कि आखिर वो भी तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन कल्याण सिंह के मुकाबले उन्हें वो तरजीह क्यों नहीं मिलती जो उन्हें दी जाती है। अगर कल्याण सिंह के पार्टी से बाहर जाने के बाद ऐसे कुछ नेता बीजेपी और सरकार में शीर्ष पदों तक नहीं पहुँचे, लेकिन कल्याण सिंह ने भी कभी भी किसी तरह के विरोध की परवाह नहीं की। मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी राजनीति प्रतिद्वंदिता के बावजूद बेहद ही गहरी दोस्ती भी थी और उसे भी तब बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन बाद में ये सार्वजनिक हो गई। विवादों से भी कल्याण सिंह का काफी नाता रहा है, लेकिन वो कभी विवादों से घबराए नहीं। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का अभियान छेड़ा और कई कुख्यात माफिया सरगना या तो प्रदेश छोड़ गए या फिर जेलों में बंद हो गए। कल्याण सिंह पर योगी सरकार की तरह पुलिस मुठभेड़ों को लेकर काफी विवाद नहीं हुआ, लेकिन उनका पहला कार्यकाल कानून व्यवस्था में सुधार के लिए आज तक लोग याद करते हैं। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में कल्याण कानून व्यवस्था प्रशासन के मामले में वो छाप नहीं छोड़ सके और उनके दौर में कई ऐसे नेता बीजेपी में शामिल हुए या बीजेपी के साथ आए जिनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मुकदमे थे। मायावती के समर्थन वापसी के बाद कल्याण सिंह ने अपनी सरकार कांग्रेस और बसपा को तोड़कर जिस तरह से बचाई थी उससे उत्तर प्रदेश में अपराध को राजनीतिक संरक्षण का नया अध्याय भी कहा जाता है। पहले बीजेपी के आरोप मुलायम सिंह यादव पर लगाती थी, लेकिन बाद में उसे खुद इस मामले में रक्षात्मक होना पड़ा और जब उसकी सरकार में तमाम दागी नेताओं के साथ एक ऐसे नेता भी मंत्री पद की शपथ ली जिसके खिलाफ एक गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तारी वारंट था। राजभवन में वो जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो वहां बैठे अटल बिहारी वाजपेयी समेत सभी वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के चेहरों पर तनाव साफ देखा जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज शाम नरोरा में गंगा नदी के तट पर किया जाएगा। बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, इसीलिए 23 अगस्त यानी कि आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी पार्थिव देह के साथ हेलीकॉप्टर में अलीगढ़ पहुंचे थे और वैदिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कल्याण सिंह के दाह संस्कार के लिए 25 किलो चंदन की लकड़ी की व्यवस्था की गई है और ऐसे में आर्य समाज के 11 आचार्य अंतिम संस्कार वैदिक रीति रिवाज से संपन्न कराएंगे। बताया गया है कि चंदन, ढक, पीपल और आम की लकड़ी का उपयोग भी किया जाएगा और ऐसे में आचार्यों में रणधीर शास्त्री, दीपक शास्त्री, आचार्य अविनाश शास्त्री, महेंद्र देव, हिमांशु, मवा
सुभाषी सिंह शास्त्री, नरपत सिंह, सुभाष कुमार आर्या, मनोज कुमार शास्त्री, जनेश कुमार सत्यप्रकाश शामिल रहेंगे। हालांकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के चलते शनिवार रात लखनऊ के SGPI में निधन हो गया था और दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 89 वर्षीय कल्याण सिंह 4 जुलाई से ही अस्पताल में भर्ती थे और शनिवार को आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लोकेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, आज कल्याण सिंह का शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है, क्या उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है? देखिए मैं आपको बता दूं, जो नरोरा का गंगा घाट है वहां पर आज शाम को लगभग 4 बजे करीब जो शव यात्रा है वो पहुंचेगी और शाम को 4 बजे करीब यहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को पूरा किया जा रहा है, चाहे वो अंतिम संस्कार की जगह को लेकर हो या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, तमाम यहाँ पर PSA बटालियन को यहाँ पर तैनात किया गया है, कई थानों की पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि बड़े बड़े VVIP जो नेता हैं उनकी यहाँ आने की संभावना है, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जी या फिर और अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, यहाँ पर जिनकी भी आने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, क्योंकि ऐसा अपडेट मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ उनके पार्थिव शरीर के साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे थे अलीगढ़। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री लगातार शव यात्रा के साथ मौजूद हैं और ऐसी उम्मीद भी है कि प्रदेश और भी अन्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी यहाँ पर आने की संभावना है। जी 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 लोकेश, और क्या कुछ अब तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि देखिए हर किसी की आंखें नम है, चाहे वो कोई BJP का कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, और इसीलिए आज जो है वो छुट्टी का भी ऐलान किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुंच सकें। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में पहले से ही 3 दिन का राजकीय शोक जो है वो घोषित कर दिया गया है। जी तमाम कार्यकर्ता की जो भीड़ है वो उनकी शव यात्रा के साथ चल रही है और यहाँ पर भी उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, यहाँ पर भी काफी बड़ी तादाद में उनके जो चाहने वाले हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जी जी लोकेश, और ये भी जानकारी मिल रही है कि अंतिम संस्कार के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, चंदन की लकड़ी मंगाई गई है और 11 आचार्य होंगे जो मंत्रोच्चारण के साथ अंतिम संस्कार करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि चंदन की लकड़ी के साथ जो उनका अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा, जो 11 आचार्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो तैयारियां हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, जैसे ही यहाँ पर जिस भी समय पर जो उनकी शव यात्रा है वो पहुंचेगी उसी समय के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। जी चलिए लोकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कल्याण सिंह का करीब 3 से 4 बजे के बीच में अंतिम संस्कार किया जाएगा और ऐसे में आर्य समाज के 11 आचार्य अंतिम संस्कार वैदिक रीति रिवाज से संपन्न कराएंगे और खास इंतजाम किए गए हैं, चंदन की लकड़ियां हो या फिर और चीजों को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं बता दें कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम अलीगढ़ में किए गए हैं, क्योंकि तमाम बड़े BJP के नेता कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में मौजूद होने वाले हैं, चाहे वो खुद UP के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। हालांकि पूरी शव यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर समय मौजूद हैं कल्याण सिंह के, और ऐसे में राजनाथ सिंह, अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि जानकारी ये भी है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे BJP के बड़े दिग्गज नेता अंतिम संस्कार में पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं लोग जो हैं भारी संख्या में उमड़ रहे हैं कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा। जी हां, 5 दिवसीय सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं और बता दें सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर विधायकों के बैठने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 2022 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं सरकार ने भी विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर जवाब देने की रणनीति बनाई है। जी हाँ, पुष्कर सिंह धामी का बतौर मुख्यमंत्री ये पहला विधानसभा सत्र होगा और ऐसे में
उत्तराखंड विधानसभा सत्र सत्ता पक्ष को घेरने की कांग्रेस ने मजबूत रणनीति जो है वो बना ली है और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में वंशीधर भगत के ऊपर सदन में सरकार का पक्ष रखने की ये बड़ी जिम्मेदारी होगी, जबकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह के लिए भी पहला सत्र है और पक्ष और विपक्ष सदन में नए अंदाज में नजर आएगा और माना जा रहा है कि वर्तमान सरकार का ये अंतिम सत्र भी होगा। तो आज से उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और 11 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और बता दें कि 5 दिवसीय ये सत्र होगा और सत्र की कार्यवाही दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ की जाएगी। वहीं सरकार को विपक्ष घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह पहला मानसून सत्र होगा और ऐसे में सरकार ने भी पूरी तरह से रणनीति बना ली है कि वो किस तरह से पक्ष के सवालों के जवाब देगी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है, किन किन मुद्दों पर आज विपक्ष जो है वो सरकार को घेर सकती है मानसून सत्र में? जी बिल्कुल, उत्तराखंड का जो विधानसभा सत्र का मानसून सत्र है वो आज से शुरू हो जाएगा और लगभग 11 बजे सदन की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 5 दिवसीय ये विधानसभा सत्र आहूत किया गया और सबसे महत्वपूर्ण चीज इस सत्र की ये है कि बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह पहला विधानसभा सत्र होगा। साथ ही एक अलग चीज ये भी है कि विपक्ष के तौर पर जो मुख्य नेता है यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी इस बार नए होंगे, प्रीतम सिंह के पास ये जिम्मेदारी। हालांकि सत्र की शुरुआत जो दिवंगत विधायक है उनको सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश है, साथ ही विधायक जो कि गंगोत्री से गोपाल रावत है, पूर्व विधायक अमरीश कुमार है जो कि हरिद्वार जिले के रहने वाले थे, इसके साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र भंडारी और पूर्व विधायक बच्ची सिंह रावत भी सदन में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि सदन की जो शुरुआत है वो दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि के तौर में शुरू की जाएगी और उसके साथ ही सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। हालांकि 12 बजे तक का जो सदन है वो उसमें कहीं ना कहीं प्रश्नकाल रखे जाते हैं क्योंकि पहला दिन था, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो विधायक वर्तमान में विधानसभा सत्र में मौजूद रहे पूर्व में उनको विदाई के तौर पर श्रद्धांजलि के तौर पर रखा गया। लेकिन बड़ी चीज ये है कि सरकार के जो कार्यकाल के काम हैं उनको लेकर भी सदन में कहीं ना कहीं हंगामा विपक्ष करता हुआ नजर आ सकता है और विपक्ष की जो रणनीति है वो लगभग तय है कि किस तरीके से सदन में सरकार को घेरा जाए और सरकार से जो जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर है वो सवाल पूछे जाए सदन के अंदर। जी बिल्कुल सुभाष, और कहीं ना कहीं ये कोरोना हो गया, बेरोजगारी हो गया, बढ़ती महंगाई हो गया, ये वो तमाम मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेर सकती है, क्योंकि चाहे हम संसद के मानसून सत्र की बात कर लें या उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र की बात कर ली जाए, उन दोनों ही सदनों में हमने देखा था कि सरकार को विपक्ष ने इन सभी मुद्दों पर घेरा था। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यह जताई जा रही है कि विपक्ष ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र के लिए भी इसी तरह की रणनीति बनाई है कि इन इसी मुद्दों पर, इन्हीं तरह के मुद्दों पर सरकार को वो घेरेगी। जी बिल्कुल पारुल, क्योंकि जनहित के मुद्दे इस समय सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव नजदीक और जनहित के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेके जरूर विपक्ष सरकार पे हंगामा करते हुए नजर आ सकता है और कुल मिला के सदन के अंदर एक बड़ा विपक्ष नजर आ सकता है। हालांकि विपक्ष के जो विधायकों की संख्या है वो सीमित है, लगभग 11 ऐसे विधायक है विपक्ष के जो विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज सदन में उठाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, पेट्रोल के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं, रसोई गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं और ये तमाम जो चीजें हैं ये जनहित से जुड़ी चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर सदन में कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामा करते हुए जरूर नजर आएगा और सरकार के पास एक बड़ी चुनौती होगी कि आखिरकार वो विपक्ष के इन सवालों का जवाब किस तरीके से दे, क्योंकि सदन के सामने जो जवाब दिए जाते हैं वो बेहतर दिए जाते हैं और कुल मिला के कहा जा सकता है सदन की प्रीमा को रखते हुए जो जवाब है बिल्कुल सच्चे देने होते हैं और यही कारण होता है कि सदन में कहीं ना कहीं
विपक्ष सरकार पे कई बार हावी होता हुआ नजर आता है। जी पारुल जी बिल्कुल, और सुभाष कहीं ना कहीं सरकार का एक नया रूप इस सत्र के दौरान देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री के रूप में बंशीधर भगत भी मौजूद रहेंगे और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा भी बदल चुका है और साथ ही मुख्यमंत्री भी के लिए भी ये पहला सत्र होगा, पुष्कर सिंह धामी का भी पहला ये सत्र होगा, तो ऐसे में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक नए रूप में नजर आएगी। जी बिल्कुल प्रबुल, जो सरकार है वो नए रूप में तो नजर आएगी, लेकिन इससे पहले के जो विधानसभा सत्र हुए थे उसमें कहीं ना कहीं सरकार के जो मंत्री थे वो कहीं बार विपक्ष के सवालों का बेहतर जवाब नहीं दे पा रहे थे। कहा जा सकता है कि तैयारियों के साथ वो सदन में नहीं पहुंचते थे, लेकिन क्योंकि अब नए मुख्यमंत्री हैं, नए नेता प्रतिपक्ष हैं, नए संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से नई विधानसभा सत्र आयोजित किया गया और कुल मिलाकर सुभाष एक बहुत बड़ी ये चुनौती होगी, सरकार को भी सदन के अंदर दिखाना होगा। जी बिल्कुल, और इसीलिए बहुत बड़ी ये चुनौती होगी। जी बिल्कुल, चुनौतियां तो है, क्योंकि चुनौतियों का मुख्य कारण ये भी है कि चुनावी समय और कहीं ना कहीं विपक्ष जनहित के जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को घेर सकती है, क्योंकि सत्र से पहले यानी कि कहा जाता है सरकार आने से पहले उनके जो वादे थे वो यही वादे वो करते थे कि जनता के मूलभूत सुविधाएं चाहे वो रसोई गैस हो, पेट्रोल हो, या फिर जनहित से जुड़े चाहे सब्जी के मामले हो या दाल चावल के मामले हो, इन महंगाई पे कंट्रोल सरकार करेगी। लेकिन इन चार सालों में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष सदन में सरकार से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल पूछ सकता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है महंगाई। तो कुल मिलाकर सरकार को महंगाई के मुद्दे पर सरकार घेरने की कोशिश जरूर करेगी। जी जी चलिए सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आज से उत्तराखंड का विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में 5 दिवसीय मानसून सत्र चलेगा और विपक्ष जो है वो लगातार रणनीति बना रही है कि किस तरह से और किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। हालांकि थोड़ी देर बाद मानसून सत्र की ये शुरुआत होने वाली है, 11 बजे से सत्र शुरू होगा और आज का दिन हंगामेदार होने के आसार जो हैं वो लग रहे हैं। बिजनौर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर लौटकर बाइक सवार दंपत्ति को एक अज्ञात बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार की एक महिला, 2 बच्चों सहित 3 की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कीरतपुर के भनेरा इलाके का ये हादसा है और जानकारी के मुताबिक थाना शहर कोतवाली इलाके के सुहाहेड़ी गांव के रहने वाला सोनू अपनी पत्नी नीतू को लेकर अपने ससुराल ग्राम मुस्सेपुर रक्षाबंधन मनाने के लिए गया था। वहां से लौटते समय रात करीब 9 बजे जैसे ही सोनू अपनी बाइक से कीरतपुर थाना इलाके के गांव भनेरा के पास पहुंचा तो पीछे से आ रही रोडवेज की बस ने सोनू की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सोनू की पत्नी नीतू और 2 वर्षीय बेटी खुशी और 3 महीने के बेटे दक्ष की मौके पर ही जान चली गई। वहीं आरोपी बस चालक हादसे के बाद से ही फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस बस चालक की तलाश कर रही है। सर ज्यादा पुलिस द्वारा सूचना मिली है कि ये रोडवेज ने टक्कर मारी है बाइक को और ये कीरतपुर के आसपास हुआ है। कितने लोग सवार थे बाइक पर? सर ये 4 बंदे थे, 2 बच्चे थे और 2 बड़े लोग। क्या क्या नाम है बच्चों के और उनके? बच्चे सर एक हमारी भांजी जो खुशी उसकी उम्र 2 साल है और एक भांजा उसकी उम्र 6 महीने है और जो हमारी बहन है उनकी उम्र लगभग 30 साल है। अच्छा, 3 लोगों की मौत हुई है इसमें? हाँ सर, 3 लोगों की डेथ हो। कोई घायल भी है इसमें? हाँ, हमारे जो पहने हैं सोनू वे घायल है। कहाँ जा रहे थे? के रोड पर जब तो ये मुस्सेपुर गांव में जा रहे थे, नजीबाबाद वाली रोड पर। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? ये अपने ससुराल जा रहे थे। कौन कौन लोग थे? ये 2 बच्चे थे, 2 मियां बीवी थे। अच्छा, इसमें कहाँ पर मतलब एक्सीडेंट हुआ है? ये रोड पे हुआ, खास किस चीज का हुआ है? जी मोटर बैग्स हो गए। कानपुर में एक युवक की ससुराल में धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या मृतक के साले ने की है और बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया था, तभी मृतक की पत्नी के भाई ने उसे शराब पिलाकर उसकी हत्या की इस घटना को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। वहीं बता दें आक्रोशित परिजनों ने स्थानीय पुलिस चौकी का भी घेराव किया और बिधनु थाना क्षेत्र के सैनिक चौराहे इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
आज दिनांक 22 अगस्त को थाना बिदनू के अंतर्गत कुंज विहार कॉलोनी में अनुज मिश्रा द्वारा अपने बहनोई भानु वाजपेयी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बिदनू पुलिस द्वारा अनुज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं आला कत्ल को कब्जे में ले लिया गया है। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल का निरीक्षण एसपी आउटर महोदय, एडिशनल एसपी आउटर महोदय और मेरे द्वारा कर लिया गया है। इसलिए यहाँ बैठे मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, पथिक के बेटों ने किया है, राम बाबू मिश्रा, विभू मिश्रा, बीरू मिश्रा, जीतेन मिश्रा, रानी, संध्या, किस वजह से बुलाया है उनको, किस वजह से नहीं, राखी रोचना थी, बेटी को, बहू को लेके गया था, भेज के लौट के आया है, फिर बुलाया है उसको, लेने गया था, घर में खींच के ले गए, मार डाला उसको चाकू छुरी मार के, सब घर पूरा मिलके, उसकी बेटियां हैं दो अभी, एक रानी जिसका नाम, पुलिस के खिलाफ ये मेरे बगैर मौजूदगी में मट्टी कैसे उठी, बाप माथारी यही थे गंगापुर कॉलोनी में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।